नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीन फ्री पाथ यानी कि माध्य मुक्त पाथ के बारे में पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट हम देखते हैं फ्री पाथ यानी मुक्त पाथ क्या होता है। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली द स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक सीधी लाइन, ठीक है, सिर्फ सीधी लाइन होता है। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल बाई ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, कोई भी गैस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अणु है, वो कोई सीधी रेखा में अगर गति करता है, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, किसी भी दो टक्कर के बीच में, इस कॉल्ड फ्री पाथ। मतलब हुआ, मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये पहले यहाँ पे टक्कर किया, ठीक है, यहाँ के बाद वो जब यहाँ पे कहीं पर टक्कर करता है तो पहली टक्कर, ठीक है, और दूसरी टक्कर के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो मुक्त पथ कहलाता है। ठीक है, फ्री, ठीक है, जो आपका होता है वो पाथ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली कि द फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। देखो कंडीशन क्या है कि जो मॉलिक्यूल, जो अणु है आपका, उसका जो मुक्त पाथ है, ठीक है, वो किसी भी लेंथ का हो सकता है। मतलब कि मान लिया यहाँ पे कोलिजन किया, ठीक है, टक्कर किया, यहाँ टक्कर किया, हो सकता है अगला टक्कर उसका इतना दूर किसी मॉलिक्यूल से हुआ, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा या इसका जो डिस्टेंस होगा वो इसके डिस्टेंस से क्या ज्यादा होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है वो लेंथ का हो सकता है मुक्त पाथ। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि फ्री पाथ ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, कि जो भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स का जो फ्री पाथ है, ठीक है, आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इन द सेम टाइम, किसी एक समय पर ही, मान लिया ये मॉलिक्यूल्स है, एक समय मान लिया एक सेकेंड के अंदर ये इसका फ्री पाथ मान लिया इतना है, तो उसी समय के ऊपर किसी दूसरे मॉलिक्यूल का फ्री पाथ क्या हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, क्योंकि उनका जो फ्री पाथ है वो डिफरेंट डिफरेंस होता है किसी एक मॉलिक्यूल का, और किसी एक ही समय पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपन पढ़ते हैं डेफिनेशन, पढ़ते हैं मीन फ्री पाथ। वो डेफिनेशन क्या है, बेसिकली कि ड्यूरिंग द लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, किसी भी एक लंबे समय अंतराल के अंदर, ठीक है, द एवरेज ऑफ फ्री पाथ, यानी कि एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है, कि जितना भी किसी समय अंतराल के अंदर इस पार्टिकल का फ्री पाथ इतना है मान लिया, ठीक है, और किसी दूसरे पार्टिकल का फ्री पाथ इतना है, किसी तीसरे का उससे ज्यादा है या उससे कम है, ऐसे अलग अलग सभी पार्टिकल की फ्री पाथ जो होते हैं उनको जोड़ करके टोटल फ्री पाथ से हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या मिलता है हमें, औसत मिलता है। तो यानी कि किसी भी एक समय अंतराल में एवरेज ऑफ फ्री पाथ, यानी जो आपका मुक्त पाथ है किसी भी अणु का या मॉलिक्यूल्स का, उसका जो औसत जो होगा, ठीक है, ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए मीन फ्री पाथ, और वही एग्जैक्टली क्या कहलाएगा आपका, माध्य मुक्त पथ कहलाएगा, मीन फ्री पाथ कहलाएगा किसी भी आपके अणु का। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए उसका रिप्रेजेंटेशन कि इस मीन फ्री पाथ को हम किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं हम लैम्ब्डा से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्ब्डा। ठीक है, सिंपल एक लैटिन भाषा का वर्ड है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली कि इफ ए मॉलिक्यूल सफर ए कोलिजन, मतलब कोई भी एक अणु है वो किसी से टक्कर करता है n टाइम, वो कितने बार टक्कर कर रहा है, मान लिया वो n बार टक्कर कर रहा है, ठीक है, n बार टक्कर कर रहा है, ठीक है, इन ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस है और वो l दूरी तय करने में मान लिया वो n बार टक्कर कर रहा है, तो सिंपल उसका मुक्त फ्री पाथ क्या होगा, ठीक है, वो एग्जैक्टली होगा लैम्ब्डा बराबर l / t। सिंपल है, पार्टिकल यहां से चल करके यहां तक पहुंचा, उसके बीच में जितनी टक्कर करता है टोटल लेंथ आपकी अपॉन उसकी जितनी उसने टक्कर की है, वो एग्जैक्टली क्या होगा आपका, मुक्त फ्री पाथ होगा, मतलब है ना। अब हमारा जो अगला पड़ाव है वो क्या है कि अब हम देखेंगे कि कोई मॉलिक्यूल किस प्रकार टक्कर करता है या उसका मीन फ्री पाथ निकालने का क्या वे क्या तरीका हो सकता है। देखो एग्जैक्टली इन्होंने कहा है लेट अज्यूम दैट, मतलब आपको कल्पना करनी है कि ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूव, केवल एक ही मॉलिक्यूल चल रहा है, मान लिया कोई भी हमारे पास एक सिस्टम है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हमें ये मानना है कि उनमें से केवल एक मॉलिक्यूल ही चल रहा है और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, रेस्ट है, मतलब वो चल नहीं रहे, वो स्थिर है। ठीक है, तो यानी कि मूव विद द वेलोसिटी, और जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, चल रहा है, उसकी जो वेलोसिटी वो क्या है, वी बार, मतलब औसत गति मान ली, ठीक है, वी बार मान ली, एंड ऑल अदर मॉलिक्यूल्स आर इन रेस्ट, बाकी सभी जो आपके अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्थिर रहेंगे, वो नहीं चल रहे, केवल एक मॉलिक्यूल ही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इफेक्टिव डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स डी, और जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, चल रहा है, उसका जो व्यास है आपका, डायमीटर है वो क्या होगा आपका, स्मॉल डी मान लिया, उसका डायमीटर क्या होगा, स्मॉल डी होगा। देखो एग्जैक्टली आपको यह डायग्राम में भी दिख रहा होगा, मान लिया कोई भी एक मॉलिक्यूल आपने ये ले लिया, या मॉलिक्यूल ये ले लिया, इसका डायमीटर क्या होगा, देखिए आपका डी होगा, इस डायमीटर को भी मॉलिक्यूल जो कर रहा है मूव कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्ट नेक्स्ट क्या है कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन, किसी भी समय अगर वो किसी से कोलिजन करता है, टक्कर करता है, ठीक
कोलिजन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कोलिजन मॉलिक्यूल्स शुड बी एट दिस डी, यानी कि जब मान लिया कोई भी जो पार्टिकल है वो इस पार्टिकल से कोलिजन कर रहा है, मान लिया टक्कर कर रहा है, तो टक्कर करने के लिए क्या होगा, जब वो उससे टक्कर करेगा तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए इससे टक्कर किया तो इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के जो केंद्र हैं, जो सेंटर्स हैं आपके, इनके बीच की मिनिमम दूरी कितनी होगी, वो एग्जैक्टली मैक्सिमम दूरी कितनी होगी, वो एग्जैक्टली ये होगी, ठीक है, ये एग्जैक्टली दूरी होगी, ठीक है, जो किसके बराबर होगी डी, क्योंकि इसका जो रेडियस क्या होगा आपका डी बाई टू, इसका रेडियस होगा डी बाई टू, तो एग्जैक्टली जो आपका अधिकतम दूरी टक्कर होने के लिए वो क्या होगा एग्जैक्टली आपका डी के बराबर होगा, और वो क्या एग्जैक्ट मॉलिक्यूल का आपका व्यास भी है, ठीक है, और इससे ज्यादा दूरी हुई, मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल से अगर डी दूरी से आगे से निकल रहा है तो उससे टक्कर नहीं करेगा, वो इससे वहां से पास आउट हो जाएगा, ठीक है, और अगर डी से कम दूरी का आया तो भी टक्कर करेगा, और डी दूरी तक का आया तो भी क्या करेगा, वो उससे टक्कर करेगा, ठीक है, एट लीस्ट डी, ठीक है, द कोलिजन टाइप प्लेस ओनली व्हेन, और जब उन्हें टक्कर केवल एक ही शक्ति हो सकता है, वो क्या है, द सेंटर ऑफ द मूविंग मॉलिक्यूल्स lies within the sphere of radius d, ठीक है, यानी कि टक्कर एक ही शर्त पे हो सकती है, वो है कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो वहां से निकल रहा है उससे d दूरी पर अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, अगर उसके सेंटर की दूरी, यानी कि इस मॉलिक्यूल के केंद्र से आपका कितनी दूरी पर, आपका d दूरी पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, तो देखो सिंपली आप यहां देखिए, मान लीजिए कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जो है उसका व्यास जो क्या है आपका d है, यानी इस मॉलिक्यूल का व्यास d है और इस मॉलिक्यूल का व्यास भी क्या है d, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स क्या है सेम है साइज के, ठीक है, तो इसके बीच की दूरी तो क्या होगी बेसिकली आपकी, इन दो केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी आपकी d होगी, ठीक है, यानी ये मॉलिक्यूल्स इधर भी केंद्र से d दूरी तक के मॉलिक्यूल्स से टक्कर कर सकते हैं, वो इधर भी क्या होगा सिमिलरली उनके दूसरे मॉलिक्यूल केंद्र से d दूरी पर टक्कर कर सकता है, सिमिलरली वो इसी प्रकार इधर भी कोई मॉलिक्यूल्स हो अगर d दूरी तक उसके केंद्र से अगर तो वहां पे वो टक्कर कर सकता है, इधर भी टक्कर कर सकता है, इधर भी टक्कर कर सकता है, उससे पीछे भी टक्कर कर सकता है, क्योंकि थ्री डायमेंशनल सोचो कि कोई भी आपके पास एक मॉलिक्यूल है, मतलब एक मॉलिक्यूल है जो कि आपने ये मॉलिक्यूल्स के केंद्र से दूसरे मॉलिक्यूल्स के केंद्र के बीच में जो दूरी d है वहां तक वो टक्कर कर सकता है, मतलब टच कर सकता है, वो इसके इधर भी कोई मॉलिक्यूल टच कर सकता है, इसके इधर भी कोई मॉलिक्यूल टच कर सकता है, इसके पीछे भी कोई मॉलिक्यूल टच कर सकता है, ऊपर भी और नीचे, मतलब एक मॉलिक्यूल के केंद्र से, ठीक है, कोई भी d दूरी तक कोई भी अगर अणु आता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अगर, तो उससे वो टक्कर कर सकता है, तो उसके केंद्र बिंदु से किसी d दूरी का अगर कोई स्फीयर बनाया जाए, ठीक है, ऐसे वर्ष बनेगा, वैसे कोई क्या बनेगा उसका स्फीयर, मतलब कोई गोला बनाया जाए, उस गोले के क्षेत्र में कोई भी मॉलिक्यूल आता है अगर तो वो टक्कर करेगा, ये एग्जैक्टली निर्धारित कर गया है कि टक्कर केवल एक ही शक्ति हो सकती है कि वो मॉलिक्यूल्स के केंद्र से डी दूरी के बीच में आना चाहिए, नहीं तो टक्कर नहीं होगा, ठीक है, फिर ड्रॉ अबाउट द सेंटर ऑफ स्टेशन मॉलिक्यूल्स, कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हमारा मूव कर रहा है वो स्टेशनरी जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर डी दूरी के अंदर आते हैं, अगर उस स्फीयर में आते हैं, उस गोले में आते हैं, तो ही वहां टक्कर पॉसिबल, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगी, तो आप समझ गए होंगे कि वो डी दूरी का गोला किस प्रकार बनेगा, मतलब सारी दिशाओं के अंदर टक्कर कर सकता है डी दूरी का, ठीक है, अब देखिए एग्जैक्टली एक कोलिजन क्रॉस सेक्शन, अब देखो एग्जैक्टली ये आता है कोलिजन क्रॉस सेक्शन, कोलिजन क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जितने क्षेत्र में टक्कर कर सकता है, ठीक है, यहां हमने देखा कि डी दूरी तक के कोई भी स्फीयर के अंदर वो कोलिजन कर सकता है गोले के अंदर, वो उसका क्रॉस सेक्शन कहलाता है, ठीक है, तो एग्जैक्टली द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मूविंग मॉलिक्यूल्स क्या होगा पाई डी स्क्वायर, मतलब उस गोले का जो क्षेत्रफल होगा उस पूरे क्षेत्रफल में कोई भी आएगा अगर वहां वो कोलिजन कर सकता है, ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज एन, अगर किसी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी वॉल्यूम के अंदर अगर वो यूनिट है अगर उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल एन है अगर तो वो जो पार्टिकल जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है वो एन मॉलिक्यूल से टक्कर कर सकता है, स्वाभाविक सी बात है एन मॉलिक्यूल से टक्कर करेगा वो, ठीक है, और यहाँ देखो एग्जैक्टली एक चीज ये भी देखो यहाँ पर सिंपल सी, जो गोल जो हमारा मॉलिक्यूल्स है मान लिया वो यहाँ पर है, ठीक है, वो किसी डी रेडियस के स्क्वायर में कहीं भी से टक्कर कर सकता है और क्या करेगा वो आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है, तो एग्जैक्टली वो जब यहाँ एक स्क्वायर था जब वो आगे की ओर बढ़ेगा तो क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ पर वो एक स्क्वायर बनाएगा जहाँ हम किसी से कोलिजन कर सकते हैं, तो मान लिया ये वाला एक स्क्वायर है आपका और वो थोड़ी दूरी तय करके यहाँ तक पहुंचा,
किसी भी इंटरवल टाइम के अंदर, तो एक्चुअली यहाँ भी क्या होगा, एक्चुअली एक स्पेयर बनेगा। तो इस पूरे आपको देखो अगर, तो ये एक तरह का सिलेंडर बन गया है, ठीक है, आपका एक तरह का सिलेंडर बन गया है। और सिलेंडर का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है एक्चुअली आपका, वो होता है एरिया और डॉट एल होता है आपका, आपने सिंपल पढ़ रखा है वृत्त का एरिया जो होता है उसका। तो एक्चुअली उसको अगर मैं कहूँ कि इस वृत्त का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई डी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है आपका, डी है, वो क्या होगा क्रॉस सेक्शन क्या होगा आपका, पाई डी स्क्वायर, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और एक्जेक्टली लेंथ यानी कि उसने कितनी लंबाई तय की, उसने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से मान लिया एल लंबाई दूरी तय की, ठीक है। तो आप जानते हो कि लंबाई बराबर क्या होता है, वेलोसिटी गुना टाइम होता है, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो मैंने लिख दिया एल लंबाई बराबर क्या होगा, वेलोसिटी गुना टाइम, और वेलोसिटी क्या होगी, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने लिख दिया पाई डी स्क्वायर और एल, एल की जगह लिख दिया वेलोसिटी गुना टाइम लिख दिया, ये उस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा और यही एग्जैक्टली पूरा उसका क्या होगा, संभावित एरिया होगा जहां जहां वो टक्कर करेगा, ठीक है। और उस एरिया में अगर n मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है, मान लीजिए उस एरिया में क्या आते हैं, n मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ कोलिजन इन t सेकंड, किसी भी एक t सेकंड में, किसी भी एक t सेकंड में वो जो कोलिजन करेगा वो क्या होगा एग्जैक्टली, वो पाई डी स्क्वायर वी बार टी डॉट एन, ये वाला एरिया वॉल्यूम वाला, ठीक है, उस वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनसे वो टक्कर करेगा। मान लिया उसके अंदर n जो मॉलिक्यूल्स आए हैं अगर, ठीक है, तो वो n मॉलिक्यूल से टक्कर करेगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहां होता है लैम्डा, तो उसका फार्मूला, वो फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन t सेकंड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन इन t सेकंड, ठीक है, जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, सिंपल ये ना होगा ये डिस्टेंस ट्रैवल की नंबर ऑफ जो है आपका कोलिजन, ठीक है। अब देखो वो क्या होगा, आपका डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उसने, उसने लंबाई जो ट्रैवल की वो क्या किया आपका, एल बराबर क्या होगा, वी डॉट टी होगा। इसको हमारे फॉर्मूले में रखने पर क्या होगा, वी बार और टी हो जाएगा, ठीक है। बटा में क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इन टी सेकंड, ये रहा नंबर ऑफ कोलिजन इन टी सेकंड क्या होगा आपका, पाई डी स्क्वायर वी बार टी डॉट आपका एन होगा। सिंपली वी बार टी और वी बार टी कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा बराबर क्या होगा, 1 / पाई डी स्क्वायर एन बचेगा आपका, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो कि ये फॉर्मूला अपन ने अपनी एजुकेशन से ड्राइव किया, और यहाँ एजुकेशन क्या रखी गई थी कि केवल एक ही मॉलिक्यूल्स है वो चलेगा, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हमारी कल्पनाओं में ही पॉसिबल है, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी और गैस के अनुसार सभी पार्टिकल सभी स्पीड से गति करते हैं, ठीक है। मैं लिखा है एक्जेक्टली कि दिस फॉर्मूला इज ड्राइव्ड बाई अबव कंडीशन, कंडीशन कौन सी थी हमारी, ये वाली कंडीशन थी कि एक मॉलिक्यूल ही चलेगा बाकी सब स्टेबल रहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार जिसका लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, उस लॉ के अनुसार velocity of all molecules known with all possible, ठीक है, velocities यानी कि जो distribution law है ना velocity का, उसके अनुसार प्रत्येक molecules किसी भी speed से वो move कर सकता है, उसका foundation नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक्जेक्टली हमने क्या किया, using Maxwell velocity distribution law, हमारा जो velocity distribution law है उसको हमने use करके हमने mean free path को find out किया, और वो जो mean free path का जो formula आता है वो एग्जैक्टली ठीक इस प्रकार आता है, ठीक है, जो क्या है, लैम्डा बराबर 1 अपॉन रूट 2 आपका पाई डी स्क्वायर एन। देखो एग्जैक्टली नोटिस करोगे कि मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से फाइंड आउट किया गया हमारा फॉर्मूला और हमारे द्वारा एजुकेशन से फाइंड आउट किया गया फॉर्मूला, दोनों में केवल 1 बाय रूट 2 का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली देखो कि ये हमारा मेन फ्री पाथ का फॉर्मूला फाइंड आउट होगा, और एग्जैक्ट जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो इसी फॉर्मूले में इसमें सॉल्व करना, ठीक है, यही एक्जेक्टली आपका सही फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो एक्जेक्टली अपन मीन फ्री पाथ की डिपेंडेंसी देखते हैं कि मीन फ्री पाथ जो हमारा है वो किस किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो नंबर एक पर है कि वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, मीन फ्री पाथ डिपेंडेंसी ऑफ लैम्डा, मतलब आपका मीन फ्री पाथ, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो किस पर करता है, देखो एक्जेक्टली डेंसिटी क्या होती है हमारी, सिंपल मास अकाउंट वॉल्यूम होता है हमारा, द्रव्यमान और बटा अपना आयतन होता है, और डेंसिटी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स करनी होगा तो क्या होगा, एन मॉलिक्यूल्स का द्रव्यमान बटा उसका वॉल्यूम, दिख रहा है, एन एम अपॉन बी हो जाएगा। और डेंसिटी अगर पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी हो तो क्या होगा, वॉल्यूम यूनिट कर दोगे आप तो क्या होगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, एन और एम बचेगा, वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा आपका। और सिंपली यहाँ से अगर एन फाइंड आउट कर सकते हैं, एन बराबर क्या होगा, रो अपॉन एम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इससे एम की वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ अगर, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन रूट
टू पाई, ठीक है, डी स्क्वायर एम क्यूब क्या होगी, रो, ठीक है ना, रो और ऊपर की चला गया एम चला जाएगा। इससे क्या फाइंड आउट हुआ हमारा फॉर्मूले में कि जो हमारा लैम्बडा है वो प्रोपोर्शनल है वन अपॉन डेंसिटी के, तो यानी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही कम हमारा मीन फ्री पाथ होगा, और ये एग्जैक्टली नया फॉर्मूला बनता है जो कि डेंसिटी के डिपेंडेंस से होकर, यानी किसी भी अगर न्यूमेरिकल में अगर डेंसिटी दी गई होगा तो आपको एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, वहां पे आपको एन यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि डिपेंडेंसी ऑफ लैम्बडा ऑन टी एंड पी, इनके टेंपरेचर और प्रेशर पर जो हमारा माध्यम मुक्त पाथ होता है वो किस प्रकार निर्भर करता है। सिंपल देखो कि जो अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर की बात की है तो वो भी किसके लिए, किसी गैस मॉलिक्यूल की बात की गई है, तो गैस मॉलिक्यूल्स की आदर्श गैस समीकरण हम किस प्रकार लिखते हैं, स्टेट इक्वेशन गैस क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी होती है। सिंपल हम पढ़ते हैं कई बार, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ, पीवी, ठीक है, सेम है आपका, और ये जो एन है ना इसे क्या कर सकता हूँ, स्मॉल एन बटा एन ए, एन ए का मतलब है पर मोल, यानी अवोगाड्रो नंबर, एन के एर क्या आपका क्या है, अवोगाड्रो नंबर लगा दिया, पर मोल कर दिया मैंने इसे, ठीक है। और ये हो गया आर और टी, सिंपल बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना एन अपॉन आर अपॉन एन ए ये एग्जैक्टली के बराबर होता है, मतलब बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई होगी, एन स्मॉल एन के और टी हो गया आपका, और अगर इस इक्वेशन को स्टेट इक्वेशन पर यूनिट वॉल्यूम एकांक आयतन पे समीकरण को लेता हूं अगर मैं, तो क्या होगा आपका आयतन जो होगा वन हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी बराबर एन के टी, सिंपल तो बस, ठीक है। यहां से मैं एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं, वो क्या है एग्जैक्ट करके पी अपॉन के टी आएगी आपकी, और इस एन की वैल्यू को वापस मैं अपने उस वाले फॉर्मूले में लिखता हूं, तो लैम्डा बराबर क्या आएगा एग्जैक्ट आपका, वो आएगा रूट आपका टू, ठीक है, आपका पाई, ठीक है, आपका डी स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा आपका प्रेशर पी, और ऊपर आ जाएगा आपका के और टी, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। इससे क्या फाइंड आउट हुआ हमने एग्जैक्टली कि जो लैम्बडा है वो प्रोपोर्शनल किसके है टी के, और लैम्बडा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है प्रेशर के, ठीक है, कि लैम्बडा प्रोपोर्शनल किसके है आपके टी के, टेंपरेचर के प्रोपोर्शनल होता है, कि जितना ज्यादा टेंपरेचर होगा उतना ज्यादा आपका मीन फ्री पाथ होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा आपका मीन फ्री पाथ होगा। तो एक्चुअली आज के लेक्चर में हमने मीन फ्री पाथ के कुछ से नोट्स हमने लिखे, की पॉइंट लिखे हमने, और उसका डेरिवेशन किया। थैंक यू।